मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन ऐसे क्लिक कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। और गाइस जो है ना, गुड आफ्टरनून, क्योंकि ये समय 1 बज रहा है, 1 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है। और गाइस मैं ब्लॉग अभी से चालू कर रही हूँ। और गाइस जो है ना, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर से क्लिक मत कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। तो गाइस जो है ना, और मेरे ब्लॉग पर लाइक ज़रूर दीजिएगा, लाइक तो बनता है। और गाइस जो है ना, इस समय मैं लंच बनाने जा रही हूँ, क्योंकि 1 बज के, आपको पता है 1 बजे मेरे घर में लंच बनता है। तो अभी मैं लंच बनाऊँगी और उसके बाद जा करके मुझे शॉप भी आज जाना है लंच ले जा करके। तो गाइस जो है ना, मैं चलती हूँ फटाफट, अपना लंच बना लेती हूँ। और आज मेरा थोड़ा सा मूड अच्छा है, क्योंकि मैं फालतू की बातें अब सोचती नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं खुश रहती हूँ। तो इसलिए जो है ना, मैं सोची हूँ फटाफट मैं लंच बना लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे शॉप भी जाना है। काफ़ी दिन से मैं शॉप नहीं जा रही हूँ होली के बाद से। तो गाइस जो है ना, काम भी करना बहुत ज़रूरी है और शॉप भी जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अब तैयार होकर शॉप जाऊंगी। तो गाइस मैं जल्दी से फटाफट अपना लंच बना लेती हूँ और शॉप जाती हूँ, और मैं मिलती हूँ लंच के बाद। तब तक के लिए गाइस मैं यहाँ अरहर की दाल बना रही हूँ, तो अरहर की दाल मैं लूँगी कुकर में, और कुकर में ही वॉश कर लूँगी 3-4 पानी से। तो गाइस मैं दिन में जो है ना दाल बनाती हूँ, और दाल मेरे के यहाँ सिंपल तरीके से बनता है, तो मैं अरहर की दाल बना रही हूँ। अरहर की दाल को कुकर में लेकर 3-4 बार वॉश करके, और उसके बाद इसमें जो है ना पानी में डालूँगी, और पानी रख करके इसमें जो है ना मैं सिर्फ हल्दी और नमक डालूँगी खाली, और हल्दी और नमक ही मैं डालती हूँ सिंपल तरीके से। और जब ये उबल जाएगा तब मैं लहसुन, मिर्च और जीरे से छौंका लगाऊंगी, तो ये 2 सीटी में आराम से दाल पक जाएगी और मैं गैस बंद कर दूंगी। तो गाइस यहाँ पे मैं जो है ना स्क्रबिंग करूँगी फेस पे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है होली से, मैंने अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं किया है, और होली में जो कलर लग गया था उसके बाद भी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हुआ कि अपने फेस की क्लीनिंग कर सकूँ, तो मैंने अपने फेस पे स्क्रबिंग कर रही हूँ। तो गाइस स्क्रबिंग करने से क्या होता है, चेहरे के जो डस्ट होता है, जो भी गंदगी होती है, वो अच्छी तरीके से बाहर निकल जाता है। और मुझे जैसा कि ब्लीच करना है, इसलिए पहले मैं अपने चेहरे पे अच्छी तरीके से क्लीनिंग करूँगी स्क्रब से, और स्क्रब से क्लीनिंग करने के बाद ही मैं अपने चेहरे पे जो है ना ब्लीच का प्रयोग करती हूँ। तो अब मैं तो गाइस मैं हाँ यहाँ पे जो है ना ब्लीच करने जा रही हूँ। ब्लीच को मैंने अच्छी तरीके से कटोरी में ले करके, और इसमें एक्टिवेटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, क्योंकि एक्टिवेटर को मिक्स करना ज़रूरी होता है। अगर एक्टिवेटर का जो है ना दाना अगर एक बूंद भी रह जाएगा तो चेहरे पे एलर्जी हो जाएगी, इसलिए एक्टिवेटर को हमेशा क्रीम में अच्छी तरीके से घोल लेना चाहिए 5 मिनट तक, उसके बाद ही फेस पे उसका प्रयोग करना चाहिए। तो गाइस होली की वजह से मैंने अपने फेस पे ब्लीच नहीं किया था, जैसा कि आपको पता है कि आज मैं पार्टी में जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि लाओ अपने फेस पे ब्लीच लगा लूँ, और काफ़ी देर दिन से मैंने अपनी स्किन की केयर भी नहीं किया था। और मैं ज़्यादातर ब्लीच नहीं प्रयोग करती हूँ, जब मुझे किसी पार्टी में जाना होता है तभी मैं ब्लीच का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि ब्लीच का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, स्किन ख़राब हो जाती है, तो जब ज़रूरी हो तभी ब्लीच ही चेहरे पर लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ब्लीच अपने फेस पे और अपने नेक एरिया पे अच्छी तरीके से यूज़ कर लूँगी, और 15-20 मिनट तक लगाऊँगी, उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी ठंडे पानी से, मतलब कि जो न तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपनी दाल को छौंकने जा रही हूँ, मतलब कि जो अरहर की दाल बनाई है उसको छौंकूंगी। तो मैंने जो है ना एक चिमचा लिया हुआ, चिमचा में घी डाला है, उसके अंदर लहसुन, जीरा और मिर्च डालूंगी और छौंका लगा दूंगी। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं रोटी बना रही हूँ और मेरे फेस पे ब्लीच लगा हुआ है, क्योंकि ब्लीच 20 मिनट तक, 15 मिनट 20 मिनट तक रखना होता है, और मैंने सोचा कि टाइम का सही उपयोग कर लिया जाए, तो मैंने ब्लीच लगा कर मैंने कहा कि रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि लंच का भी टाइम हो गया और मुझे टिफ़िन शॉप में ले जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लीच जब तक चढ़ता है फेस पे तब तक मैं जो है ना रोटी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और दूर से ही रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि आग के सामने ब्लीच को लाना ठीक नहीं होता है इसलिए। और मैं यहाँ सारी रोटी सेक लूँगी, फिर टिफ़िन पैक करके ले जाऊँ। हे गाइस, आपने जैसे देखा है कि मेरा जो है ना
लंच बन चुका है और आज मैंने ब्लीच भी किया चेहरे पे, क्योंकि होली में करने के लिए मैं लाई थी ब्लीच, पर तब टाइम नहीं मिला तो मैंने ब्लीच नहीं किया। आज शाम को मुझे एक पार्टी में जाना है, शायद प्लान तो बना है, पर जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ ये पता नहीं। पर जो है ना, अगर गई तो मैं वहाँ की क्लिप जरूर डालूंगी। और गाइस जो है ना, जब इसलिए मैंने ब्लीच चेहरे पे कर लिया क्योंकि ब्लीच रखा हुआ था, तो मैंने कहा क्या शाम को पार्टी में जाना है तो लोग ब्लीच कर लेते हैं, होली में लेकर आई थी ब्लीच करने के लिए, और तब मैं ब्लीच नहीं करी। तो गाइस यही है, अब मेरा लंच बन चुका है और मुझे शॉप जाने की तैयारी भी हो चुकी है। आप जैसे देख सकते हो पीछे मेरा टिफिन भी तैयार है जो है ना ले जाने के लिए। तो गाइस बस यही सब है, और शाम को मैं ये ब्लॉग कितना मैं चला पाती हूँ पता नहीं, पर गाइस जो है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये आप नए व्यूअर हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की तारीख है 27 मार्च, और आज का दिन है वेडनेसडे। तो गाइस ये जो है ना, मैं अब जा रही हूँ अपनी शॉप और आपसे मिलती हूँ मैं शाम को, और शाम को ही मैं फर्स्ट फर्स्ट बात बताती हूँ। और आपको एक चीज़ दिखानी भी है मुझे, जो मैं होली में लेकर आई थी और मैंने आपको नहीं दिखाया, तो मैं शाम को जब मैं आपसे मिलती हूँ तब मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय। गाइस जैसा कि आपको पता है, शाम को मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो अब मैं शॉप से लौट के आई हूँ, तो मैंने सोचा लो मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि चाय पीती हूँ तभी मुझे फ्रेशनेस आता है, और अभी मुझे पार्टी में जाना है, तैयार होना है, इसलिए मैं जल्दी से चाय बना लूँगी। और क्योंकि मैं अकेले ही चाय पीने वाली, तो 1 कप चाय बनाऊँगी, और चाय बना करके मैं पी करके उसके बाद मैं पार्टी के लिए तैयार होंगी। तो मैं जल्दी से चाय फ्रेंड, क्योंकि समय हो रहा है जो है करके 6:15, और मैं अब शॉप से आ चुकी हूँ और चाय भी पी चुकी हूँ। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने अभी चाय बनाया था और चाय मैंने पी लिया है। तो गाइस जैसा मैंने बताया था कि मैं जा रही हूँ पार्टी में, मेरी फ्रेंड की मतलब बेटी की मुंडन है, उसमें मुझे जाना है। तो गाइस जो है ना, मैं बड़ी एक्साइटमेंट हूँ। मेरी जो फ्रेंड है, मतलब 2-3 साल बाद मैं उनसे मिलूंगी, क्योंकि मेरी शादी के 8 महीने बाद उसकी शादी हुई थी। तो उसके बाद मैं 1-2 बार उससे मिली हूँ, उसके बाद नहीं मिल पाई क्योंकि मैं दाई में रहती थी, तो इतनी जल्दी उससे मिलना हो नहीं पाता था। तो गाइस जो है ना, मैं कम से कम 2-3 साल के बाद उससे मिलूंगी। उससे कहा तो कि घर आ जाओ, होली है, तो कह रही है मैं तो 2 बार आ चुकी हूँ तुम्हारे घर और तुम 1 बार भी नहीं आई हो मेरे घर। तो कह रही है कि आपकी बार आओ तो फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा चलो, अपने जीजा जी को भी पटा लिया कि हाँ जीजा जी आइएगा ज़रूर, जो है ना हम इंतज़ार करेंगे। तो उन्होंने भी कहा कि चलो हम चलते आएंगे। तो वही है गाइस जो है ना, पार्टी है तो मैं जा रही हूँ पार्टी में तैयार होने, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगी तो एक्साइटमेंट तो बनता है। और मैं जो है ना सोच रही हूँ साड़ी नहीं पहनूंगी, कि साड़ी तो जो है ना हमारे ससुराल में तो जहाँ भी जाओ तो साड़ी ही पहन के जाना होता है, तो साड़ी अब नहीं पहन के जाऊँगी आज। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अपनी अनारकली जो सूट है उसको मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि जो है ना फंक्शन है, तो फंक्शन में थोड़ा बहुत सोच रही हूँ कि मैं अनारकली ही सूट पहनती हूँ। तो गाइज ज़्यादा मैं तो कोई ज़्यादा मेकअप तो नहीं करना है, क्योंकि शादी तो है नहीं है, बस छोटा सा मतलब मुंडन सेरेमनी है, तो उसमें जो है ना मैं अनारकली सूट पहन लूँगी और थोड़ा सा मेकअप भी कर लूँगी। और मुझे मेकअप बहुत पसंद है, जैसे जाहिर सी बात है लड़कियों को मेकअप तो बहुत ही पसंद होता है, तो मुझे भी मेकअप बहुत पसंद है। तो पर गाइज लेकिन मैं थोड़ा सा ही मेकअप करूँगी, थोड़ा सा क्या, मेकअप थोड़ा सा ही सोचो पर ज़्यादा हो जाता है, देखते हैं कैसा मेकअप मैं करती हूँ। तो गाइज मैं जा रही थी तैयार होने, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेती हूँ। कल तो मेरा मूड बहुत ऑफ था, मतलब कि बहुत ही ऑफ था, क्या बताऊँ, छोड़िए वो सारी बातें, फिर मैं कभी बताऊँगी। मैं जब जो है ना थोड़ा जंजाल से बाहर निकल जाऊँगी तो फिर मैं बताऊँगी। तो गाइज जो है ना यही सब चल रहा है, तो मैं चलती हूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, एक्साइटमेंट बहुत अपनी फ्रेंड से मिलने का। तो अगर मैं जो है ना पार्टी में थोड़ा बहुत क्लिप खींच पाऊँ तो दिखाऊंगी मेरी फ्रेंड कौन है। तो गाइज जो है ना चलते हैं, मैं थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ, कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा है कि 6 मतलब कि
6 बजे तक तैयार हो जाना, तो नहीं तो फिर देर हो जाएगी, क्योंकि अभी गिफ्ट भी लेना है उनकी लड़कियों के, क्योंकि उनकी दो लड़की है और दोनों की ही मुंडन है, और साथ में उनका भतीजे का भी मुंडन है जो उसकी जेठानी का लड़का है, तो तीनों का एक साथ मुंडन हुआ है, तो उसकी पार्टी है, तो तीनों के लिए गिफ्ट लेना है। तो देखते हुए अमीनाबाद की तरफ जाकर के उसका गिफ्ट ले लेंगे। तो अभी मुझे गिफ्ट भी लेना है और तो जो है ना तैयार भी होना, वहाँ जाना भी है, और शायद जो है ना अरे सहारा के साथ, सहारा मॉल के सामने कोई होटल है वहाँ पे है पार्टी, तो मैं जो है ना जाऊँगी तो खूब फुल एंजॉय करूँगी, फ्रेंड से मिलूँगी और उसके हस्बैंड जिया जी से मिलूँगी, तो खूब इंजॉयमेंट होगा। अगर मैं छोटी बहुत क्लिप जो है ना खींच पाई तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो गाइज चलती है, मैं अपनी फ्रेंड से भी मिलाऊँगी, अगर मैं वीडियो बना पाई और कंफर्ट रही तो मैं उससे मिलाऊँगी। तो गाइज चलती है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ फटाफट, क्योंकि अभी मुझे कपड़े प्रेस भी करने हैं। मेरे कपड़े बिल्कुल प्रेस नहीं है, मैं रखे हुए हैं अलमारी में, वैसे भी दहा के कितना भी रखो तो भी थोड़ा बहुत सिमट जाता ही है, तो मैं प्रेस कर लेती हूँ फिर तैयार होकर के मैं। तो गाइज मैं तैयार हो गई हूँ पार्टी के लिए, और मैंने अनारकली सूट पहना है, ये येलो कलर का अनारकली है, और यहाँ पे मतलब कि कोटी टाइप का है ये पिंक कलर का। तो गाइज मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, ब्लश लगाई, लिपस्टिक लगाया है, और आईलाइनर थोड़ा सा मस्कारा लगाया हुआ है, और आई शेडो लगाया है वो भी गोल्डन कलर का, और सिंदूर लगाया है, बस इतने में मैं तैयार हुई हूँ। और गाइज जो है ना बस मैंने इतना ही मेकअप किया है, और फ्रेंड की शादी में जाना, फ्रेंड की मतलब मुंडन है, शादी के बोल रही हूँ, मुंडन है, तो मुंडन में जा रही हूँ, उनके बच्चे के मुंडन है, मतलब दोनों लड़कियों का मुंडन है और एक उसकी जेठानी के लड़के का मुंडन है। तो गाइज जो है ना उसकी सेरेमनी है, मुंडन तो दिन में हो जाता है, उसकी जो पार्टी होती है वो रात को होती है, वो पार्टी में मैं जा रही हूँ, और देख सकते हैं कितनी गर्मी है, पसीना पसीना हो रहा, सारा मेकअप धुला जा रहा है, मतलब कि जो भी मेकअप मैंने किया है वो धुल रहा है। तो गाइज इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ, आप देख सकते हो, और मैं जो है ना आपको फुल व्यू देती हूँ, मतलब फुल व्यू दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से, मेरा अनारकली का सूट है, तो चलते हैं। इस बेड पे जो चीज़ें रखी हैं उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि दवा भी मैंने खाया है, जैसा कि आपको पता है कि मैं दवा खाती हूँ। और ये मेरा फाइनली लुक है, ये मेरा अनारकली है येलो कलर का, और नीचे पिंक कलर का बॉर्डर है, और मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ। तो गाइज यहाँ पे गेम चल रहा है, तो बीच में एक चॉकलेट रखा गया दो लोग के बीच में, और म्यूज़िक चल रहा है, जब म्यूज़िक बंद होगा तो जो इस चॉकलेट को उठा लेगा सबसे पहले तो वो जीत जाएगा। तो गाइज म्यूज़िक अभी बंद हुई है, और इस लड़की ने मतलब कि गर्ल्स ने उठा लिया है और वो जीत गई है, और यहाँ पर मेरी फ्रेंड बैठी हुई है बगल में, और बीच में सीट खाली है, तो ये कह रहे बीच में सीट खाली है, तो मैंने कहा कि आओ यार बैठ जाओ कर पास में। और ये मेरी फ्रेंड है, हम लोग की दोस्ती के 6-7 साल हो गए हैं, और बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसकी स्वभाव भी अच्छा है। तो गाइज यहाँ पे गेम चल रहा है कैट वॉक का, तो ये मेरी फ्रेंड है जो कैट वॉक कर रही है, उसके बाद उसकी सिस्टर आती है कैट वॉक करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे मेरी फ्रेंड की जो जेठानी है उन्होंने भी कैट वॉक किया है, तो उसके बाद बाकी के सारे पार्टिसिपेट जो है ना जो लिए हुए हैं वो कैट वॉक करेंगे, और सबको बड़े शर्म आ रही थी, मुझसे भी कहा गया तो मैं, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझे वीडियो बनाना था इसलिए। तो गाइज यहाँ पे केक कट रहा है सेलिब्रेशन में, आजकल का ट्रेडिशन हो गया कि केक जरूर कटता है। तो ये येलो कलर की जो ड्रेस पहनी है वो मेरी फ्रेंड है, जो गोद में बेबी लिए, और उनके बगल में जो है वो जीजा जी हैं, और ये फैमिली। तो गाइज यहाँ पे जो है ना मैं सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट ली हूँ, मतलब गेम में, और गेम यहाँ पे हो रहा है, तो गेम का ये रूल था कि दो लोग के बीच में एक गुब्बारा रहेगा और हमें डांस करना होगा इस गुब्बारे को लेते हुए, और गुब्बारा नीचे गिरना नहीं चाहिए, और अगर वो गिर गया तो आउट हो जाएंगे। तो ये गोल गोल चक्कर में मैं नाच रही हूँ, और मेरे और मेरे पीछे एक जो लेडीज़ हैं उनके मेरे बीच में एक गुब्बारा है, और वो गुब्बारे को ले करके हम दोनों को डांस करते हुए चलना है। तो मैं डांस करते हुए चल रही हूँ, एक पार्टिसिपेट जा चुका है और सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं, और इस गुब्बारे को ले करके हमें डांस भी करना है, और 3 इसका जो है ना चरण होगा गुब्बारे का। पहले मेरा सिंपल तरीके से डांस है, उसके बाद फिर तेज़ी से डांस और चलना है, और उसके बाद भांगड़ा होगा, तो इसके दौरान जिसका गुब्बारा गिर जाएगा वो आउट हो जाएगा। तो गाइज ये है, मैं आउट हो चुकी थी ऑलरेडी 3री बार में, मतलब 3री बार नहीं, 2री बार में आउट हो गई थी। गाइज जो है ना अब मैं पार्टी से लौट के आई हूँ, और जो है ना
अब रात के हो रहा है, मतलब 11:15 हो गया है, और अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ब्लॉग को लाइक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।